कोरोना महामारी के चलते मार्च से लगातार बोर्ड परीक्षाएं टलती जा रही है। हालांकि हालात बेहतर नहीं होने के कारण CBSE ने बिना एग्जाम रिजल्ट जारी करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया, जिसके बाद अब CBSE अपने रिजल्ट का ऐलान 15 जुलाई तक कर देगा। CBSE बोर्ड के सुप्रीम कोर्ट ने दायर किए अपने हलफनामे में कहा था कि 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली सभी बाकी बची परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। परीक्षाओं के रद्द होने के बाद अब 10वीं 12वीं का रिजल्ट CBSE की कॉम्पिटेंट कमेटी द्वारा सुझाए गए असिस्टेंट स्कीम के आधार पर जारी किया जाएगा। असेसमेंट स्कीम द्वारा तैयार किया गया रिजल्ट 15 जुलाई 2020 तक जारी कर दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स देश विदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकें। स्टूडेंट्स के लिए 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाले पेपर के लिए हालात सामान्य होने पर ऑप्शनल एग्जामिनेशन का भी आयोजन करेगा। इन परीक्षाओं में वो स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जो असेसमेंट स्कीम के बाद जारी हुए अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में ऑप्शन एग्जामिनेशन में मिले मार्क्स को ही फाइनल माना जाएगा। वहीं 12वीं के वो स्टूडेंट्स जो ऑप्शनल एग्जाम में शामिल नहीं होते, उनका रिजल्ट CBSE की मार्किंग स्कीम के आधार पर ही तय किया जाएगा। क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए अन्य कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और उनका रिजल्ट CBSE की असेसमेंट स्कीम के आधार पर ही तय किया जाएगा। क्या है CBSE की नई स्कीम? 10वीं 12वीं के जिन छात्र छात्राओं ने अपनी सभी परीक्षाएं पूरी कर ली, उनका रिजल्ट परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के पेपर दिए हैं, बचे हुए पेपर के लिए उनका रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों के औसत नंबर के हिसाब से दिया जाएगा। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों की परीक्षा दी है, उन्हें बची हुई परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ 2 विषयों के अंक मिलेंगे। इसके अलावा जिन 12वीं के छात्रों ने केवल 1 या 2 पेपर ही दिए हैं, उनका रिजल्ट इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। CBSE की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस AM खानविलकर की अगुवाई वाली 3 जजों के बेंच ने केंद्र और CBSE से कहा कि परीक्षाएं कैंसिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करें, साथ ही असेसमेंट के आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स देने की दिशा में आगे बढ़ें। इसके बाद बेंच ने अन्य अदालतों में इस विषय पर विचाराधीन सभी मुकदमे